हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वेरिग्नॉन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड कपल बाय अ सिंगल फोर्स कपल सिस्टम एट ए फॉर द फिगर शोन। देखो यहां पे ये फिगर में एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है, ये बीम के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और एक कपल भी एक्ट हो रहा है। तो ये सभी फोर्सेस और कपल का हमें एक सिंगल फोर्स फाइंड आउट करना है, इट मीन हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो सिंगल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमें इक्विवेलेंट फोर्स यानी ही रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। और जो कपल है, देखो कपल सिस्टम एट ए, इट मींस हमें मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहां रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट को आर से शो करता है। देखो यहां पे हम आपको स्टेप्स पहले बता देते हैं कि किस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। जब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय तीन चीजें फाइंड आउट करना होता है। पहला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दूसरा है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, इसका मतलब उसका एंगल, और तीसरा है रिजल्टेंट का पोजिशन। तो मैग्नीट्यूड तो ये फॉर्मूले से मिल जाएगा। देन हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इट मींस उसका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला होता है, दैट इज टैन इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मींस रिजल्टेंट का एंगल थीटा मिलता है कि रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। और फिर एट द लास्ट हमें रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करना होता है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना होता है। वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट ऐसा है, दैट इज समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू आर टू एक्स, ठीक है। यहां पे ए पॉइंट रहेगा हमेशा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यहां पे पॉइंट चेंज भी हो सकता है। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू आर इनटू एक्स, आर माने रिजल्टेंट फोर्स, एक्स माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। अगर आप मोमेंट ए पॉइंट पे लेंगे तो यहां ए आएगा, अगर आप मोमेंट बी या सी या डी पॉइंट पे लेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग यहां पे पॉइंट चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है, इससे आपको रिजल्टेंट का पोजीशन मिलता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पॉइंट, ठीक है। तो ये सॉल्व करते समय यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय आपको पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई यहां पे पुट करना पड़ेगा और थीटा फाइंड आउट करते समय भी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी पहली प्रायोरिटी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, उसी तरह से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी सॉल्व करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना रहेगा और समेशन करने का इसमें रूल होता है हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। और फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना है यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है और समेशन करने का रूल रहेगा वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, ठीक है। तो स्टेप्स समझ में आ गई। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये स्टेप्स रहेंगी, पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालेंगे, फिर ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर फाइंड आउट करेंगे, फिर यही दोनों वैल्यूज हम यहां पुट अप करेंगे, रिजल्टेंट का एंगल थीटा हमें मिल जाएगा, और फिर ये रिजल्टेंट का यूज करके हम यहां पे रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग वेरिग्नॉन थ्योरम। लेकिन उसके लिए हमें मोमेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मोमेंट हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर हम इसके थ्रू पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। और पोजीशन निकालने के बाद फिर एट द लास्ट जो है एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इट मींस हमें एक उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, समझ गए। तो ये स्टेप्स रहेंगी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब। तो यहां पे सिस्टम में देखो प्रॉपरली कि क्या क्या दिया है। तो सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है, ये हॉरिजॉन्टल बीम पे ये एक वर्टिकल फोर्स है 200 न्यूटन का ए पॉइंट पे, यहां पे 50 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, बी पॉइंट पे, और डी पॉइंट पे एक 75 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और सी पॉइंट पे क्या है, एक इंक्लाइंड फोर्स है। देखो सी पॉइंट पे इंक्लाइंड फोर्स है और इसका एंगल इंक्लाइंड फोर्स कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पर यह ऐसा ट्रायंगल बना के दिया है, तो यह क्या है, यह है स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं। इसका यूज करके आप आसानी से इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये देखिए एक कपल दिया है, कपल बोलो या मोमेंट बोलो, देखो ये कपल दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है 80 न्यूटन मीटर, ओके। तो चलो अब यहां पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये इंक्लाइन फोर्स का एंगल फाइंड आउट करेंगे। इंक्लाइन फोर्स का एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल का यूज करेंगे, इट मींस ये स्लोप का यूज करेंगे। तो स्लोप इसलिए दिया होता है ताकि आप एंगल फाइंड आउट कर सके। तो स्लोप का यूज करके एंगल कैसे फाइंड आउट करना, देखो वो जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है,
देखो हम यहां पे आपको साइड में वो सॉल्व करा के बता रहे, देखो इस तरह का वो स्लोप है, ठीक है, यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है, ये स्लोप हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये स्लोप के थ्रू अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है वो पहले आप कंफर्म करो। इट मींस या तो आप हॉरिजॉन्टल के साइड के अक्रॉस एंगल फाइंड आउट करो या तो वर्टिकल साइड के अक्रॉस, किसके साथ एंगल निकालना है ये चॉइस आपका है। चलो हम एक काम करेंगे, हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, इट मींस हॉरिजॉन्टल साइड के साथ। देखो ये ट्रायंगल का बेस और ये हाइट, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एंगल हमने ये एंगल यहां पे मार्क किए हैं, ये हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, इसका मतलब बेस के साथ एंगल है। तो ये एंगल के लिए ये सामने वाली साइड अपोजिट साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड है 3, देखो ये है अपोजिट साइड 3 और ये है एडजेसेंट साइड दैट इज 4। अपोजिट पता है, एडजेसेंट पता है, तो हम यहां पे आसानी से टैन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एंगल इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, इट मींस 3/4। तो ये एंगल आएगा 36.869 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है, ये ट्रायंगल और ये कैलकुलेशन, ये एग्जाम में शो करना कंपलसरी नहीं है, आपने ये नहीं शो किए तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपने वहां पे उसको एंगल लिख के अगर आपने डायरेक्टली उसको रिजॉल्व किए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये शो करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये देखिए, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने टैन का फॉर्मूला अप्लाई किया, टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज 3/4 हमने किए, तो ये एंगल आएगा कितना, 36.869 डिग्री का एंगल आ गया। इसका मतलब हमें ये एंगल मिल गया 36.869 डिग्री का एंगल। और अब यही एंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, इट मींस उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय उसका जो डायरेक्शन है, उसके जो दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो 100 का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, इसका मतलब वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो अगर वो इनवर्ड है, अगर वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसके दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी इनवर्ड रहेगा, इसका मतलब वो दोनों कंपोनेंट भी अंदर की तरफ आएंगे। ये देखिए हमने यहां पे इस तरह से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ये उसके दो कंपोनेंट्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट साइन रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस क्यों रहेगा, क्योंकि हमने जो एंगल है 36.869, ये हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल निकाले हैं। देखो हमने ये एंगल फाइंड आउट किया है 36.869, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे कॉस, तो ये हो जाएगा 100 कॉस ऑफ 36.869 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन, तो ये हम लिखेंगे 100 साइन ऑफ 36.869 डिग्री का एंगल, ठीक है, सॉरी ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो फाइनली हमने क्या किया, 100 न्यूटन जो इंक्लाइंड फोर्स था, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, इट मींस हमने उसको रिजॉल्व कर लिए। अगर आपको इंक्लाइंड फोर्सेस का रिजोल्यूशन समझना है अच्छे से, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख लेना, आपका रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड फोर्स को तो हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस आया क्योंकि हमने जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल साइड के साथ निकाले हैं, इसका मतलब बेस के साथ एंगल निकाले हैं, तो बेस का कंपोनेंट कॉस और हाइट का कंपोनेंट साइन, ओके। तो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंक्लाइंड फोर्स सिर्फ एक ही था तो हमने उसको रिजॉल्व कर लिए, अब सॉल्व कैसे करना, तो हमने ऑलरेडी आपको स्टेप्स बताया है, बस वही स्टेप्स का आपको यहां पे यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है 75 और दूसरा है 100 कॉस, ये दोनों का हमें समेशन करना है। और समेशन करने का एक रूल है, रूल हमने यहां पे बताया है, देखो हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, लेकिन ये दोनों फोर्सेस लेफ्ट साइड जा रहे, तो ये दोनों को, ये दोनों जो है इक्वेशन में माइनस में आएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 75 माइनस ऑफ 100 कॉस ऑफ 36.869, दोनों माइनस में क्योंकि दोनों जो है लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इसलिए बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, तो इसका आंसर आएगा 155, लेकिन माइनस में है तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 155 न्यूटन। तो ये हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पे मिल गया। और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली हम लिख लेते हैं, काफी कंजेस्टेड हो गया ये, ठीक है। तो अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे, तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, इसका मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे तीन वर्टिकल फोर्सेस है, 200 50 और 100 साइन, ये तीनों वर्टिकल फोर्सेस का समेशन। और समेशन करने का रूल हमने यहां लिख के रखा है, वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है,
ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो 50 जो है ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, 200 और 100 साइन दोनों नीचे आ रहे हैं तो माइनस में आएगा। तो ये हम लिखेंगे 50 माइनस 200 माइनस 100 साइन ऑफ 36.869, ठीक है, देखो इस तरह से, तो 869। तो ये हमने फाइनली यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर रहे हैं, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसके थ्रू एक आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा 209, हम लिखेंगे माइनस 209.998 न्यूटन, ठीक है, इस तरह से। आप चाहे तो इसको 210 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिए। जैसा हमने कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिए तो इसका यूज करके अब हम आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन और उसका पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का वैल्यू अब ये रिजल्टेंट वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये हमने फार्मूला ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा है, बस उसके अंदर वैल्यूज पुट अप करना है। तो ये हम लिखेंगे, लेकिन लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, माइनस का यूज नहीं करना है। देखो ये हम लिखेंगे 155 का स्क्वायर प्लस ये 209.998 का स्क्वायर। यहां पे आप प्रॉपरली चेक करो, हमने जो निगेटिव साइन है देखो दोनों यहां पे निगेटिव में है, हमने निगेटिव यहां कहीं पे भी शो नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे एफ ऑफ एक्स स्क्योर एफ ऑफ वाई स्क्योर है, निगेटिव का स्क्योर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको निगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड रहेगा। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा 261, हम लिखेंगे 261.006 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। इसका मतलब हमें वो सिंगल फोर्स मिल गया जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। देखो क्वेश्चन में लिखा था रिप्लेस द फोर्स सिस्टम बाय अ सिंगल फोर्स, देखो सिंगल फोर्स से हमें रिप्लेस करना था, सिंगल फोर्स यानी ही इक्विवेलेंट फोर्स यानी ही रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना है कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितना डिग्री से इंक्लाइन है। उसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी बताया है, बस यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लो। तो ये हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो ऊपर में है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, नीचे में है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है दैट इज 209.998, तो हम लिखेंगे 209.998 डिवाइडेड बाय 155। देखो हम यहां पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, और एक बात यहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे फिर से निगेटिव साइन शो करने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों निगेटिव में है, हमने यहां कहीं भी निगेटिव नहीं लिखे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में है, देखो मॉड में है, तो ये डिटर्मिनेंट में होने का यही एक फायदा है कि आपको यहां पे निगेटिव नहीं लिखना है, निगेटिव का वैसे भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो आपको थीटा मिल जाएगा, इट मींस रिजल्टेंट का एंगल। तो ये आएगा कुछ 53.568, तो हम लिखेंगे 53.568 डिग्री का एंगल। इसका मतलब रिजल्टेंट इतना डिग्री से इंक्लाइन है, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो फाइनली ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम फिलहाल सिर्फ आधा हुआ है, क्योंकि अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, और पोजीशन फाइंड आउट करना इसका मतलब रिजल्टेंट का डिस्टेंस, कि रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, हम रिजल्टेंट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम एट ए, हमें जो सिंगल फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डिस्टेंस हमें ए पॉइंट से पता करना है, क्वेश्चन में लिखा है मेंशन है, इसलिए हम रिजल्टेंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से पता करेंगे। इसका मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये एक्स अगर मिल गया तो समझ लो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें ये वेरेग्नॉन थ्योरम का यूज करना है। ये वेरेग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है, यहां पे हम आसानी से x निकाल सकते हैं, हम यहां पे r का वैल्यू पुट कर लेंगे, देखो r इट मींस रिजल्टेंट, ये हम यहां पे पुट कर लेंगे तो हमें x मिल जाएगा, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता। देखो समेशन ऑफ एम ए ये हमें पता है क्या? नहीं, ये m इट मींस मोमेंट, तो ये मोमेंट का वैल्यू हमें अलग से पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, हम यहां पे उसका स्टेटमेंट लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। हमने मोमेंट ए पॉइंट पे क्यों लिया? क्योंकि हमें रिजल्टेंट का पोजीशन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने मोमेंट भी ए पॉइंट पे ले लिए। तो इसके समेशन का रूल हम यहां पे लिख लेते हैं, समेशन का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, और ये जो हमने रूल लिखा है ये ऐसे ही लेके सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, आप यहां पे चेंजेस कर सकते हैं। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज, और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और मोमेंट का समेशन करते समय यहां पर हमने रूल लिखा है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस ऐसा दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस ऐसा दिया है। अब कौन से वे से सॉल्व करना है ये पूरा चॉइस आपका है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड से सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप दोनों मेथड से सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है,
आंसर अलग अलग नहीं आता, आप चाहे तो क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो या आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो, आंसर 101% एक ही आता है, आंसर अलग नहीं आना चाहिए, आंसर एक ही आना चाहिए तो ही वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो चलो हम यहां पे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे, समेशन ऑफ एम ए, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। इसका मतलब यहां जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का मोमेंट, उन सभी का हमें मोमेंट का समेशन करना है। तो यहां कितने फोर्सेस है, तो यहां पर अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे यहां पर 5 फोर्सेस है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 फोर्सेस है और एक कपल भी है। देखो ये कपल भी हमें अब मोमेंट की इक्वेशन में ले लेना है। कपल जो है वो अभी तक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में भी नहीं आया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में भी नहीं आया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, वो कपल है, वो मोमेंट है, तो वो सिर्फ मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। ठीक है, और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो कपल है ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिया है, देखो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो वो मोमेंट की इक्वेशन में लिखते समय माइनस में लिखना है, आपको निगेटिव में लिखना है, क्योंकि हमने यहां पर रूल लिखा है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, क्लॉकवाइज प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपको माइनस में लिखना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा यहां पे 5 फोर्सेस है तो 5 फोर्सेस का मोमेंट का समेशन हमें करना है, लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल यह है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो कि ए से कितने फोर्सेस पास हो रहे, तो यहां पे ए से 3 फोर्सेस पास हो रहे, 3 फोर्सेस ए से पास हो रहे, कौन से कौन से, देखो ये 200, ये 200 न्यूटन ए से पास हो रहा है क्योंकि वो ए पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये 75 न्यूटन, देखो ये भी ए पे एक्ट हो रहा है, देखो ए पे एक्ट होगा, ये 75 न्यूटन का वे ऑफ एक्शन ऐसा है। ठीक है, तो ये इस तरह से वो यहां पे आगे चल के ए की तरफ, देखो ए से पास होगा इसका मतलब वो जीरो, और ये जो 100 कॉस है देखो ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, 100 कॉस, ये फोर्स भी ए से पास होगा क्योंकि ये जो 100 का फोर्स है ये 100 फोर्स सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, अगर ये 100 सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स भी सी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट सी पॉइंट पे एक्ट हो रहे, तो उसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 100 कॉस जो सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो आगे चल के ए से जाएगा, देखो उसका वे ऑफ एक्शन ए से है इसलिए वो जीरो। ठीक है, तो यहां पे 3 फोर्सेस जीरो हो गए और सिर्फ 2 फोर्सेस सेफ है। ठीक है, कौन से 2 फोर्सेस सेफ है, ये 50 न्यूटन सेफ है, ये ए से पास नहीं हो रहा है, ये तो बी से पास हो रहा है, और ये 100 साइन 36.869 ये भी सेफ है, ये भी ए से पास नहीं हो रहा है, ये तो सी से पास हो रहा है। ठीक है, तो 2 फोर्सेस सेफ है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे और ये कपल भी मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। 3 फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे, 1, 2, 3, ये तीनों फोर्सेस को हम क्रॉस कर लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों का मोमेंट, ये तीनों का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है, जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीनों का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, क्योंकि ये तीनों ए से पास हो रहे, तो अगर ये तीनों ए से पास हो रहे तो ये तीनों का डिस्टेंस ए से जीरो ही रहेगा, इसलिए उनका मोमेंट भी जीरो हो गया। समझ गए, तो ये तीनों मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएंगे, बाकी के जो सेफ है जिनको हमने राइट किया है वो मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये कपल भी, इसको भी हम राइट कर लेते हैं, ये देखिए। तो चलो अब ये तीनों जो सेफ है उनको हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे, लेकिन समीशन के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 50 को, देखो 50 वर्टिकली ऊपर जा रहा है, चेक करो इसको कि ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चेक कैसे करना, चेक करने का तरीका काफी आसान है, जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास से जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं वैसे थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो। ठीक है, और ये दोनों में से ये फिंगर हम वहां पे पुट करेंगे जहां हमने मोमेंट लिया है और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे यहां पे रख लेंगे और ये दूसरा जो फिंगर है ये फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखो 50 न्यूटन को हम चेक कर रहे हैं, 50 न्यूटन जो है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, 50 न्यूटन वर्टिकली ऊपर जा रहा है, तो क्या करो जो दूसरा फिंगर है वो दूसरा फिंगर ऐसे ऊपर घुमाओ, ऐसे ऊपर। ठीक है, और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, इसको ऐसे पूरा घुमाओ, इसको ये देखो हम इसको पूरा घुमाते हैं, तो ये क्या लग रहा है, ये 50 न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब 50 मोमेंट की इक्वेशन में निगेटिव में आएगा। तो हम लिखेंगे निगेटिव में -50 इंटू डिस्टेंस ए से लेके 50 तक का डिस्टेंस ये है 2 मीटर। इंटू डिस्टेंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। ओके,
और अब नेक्स्ट ये 100 साइन ये नीचे आ रहा है, चलो इसको चेक करते हैं, ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चेक करने का टेक्निक वही है, ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखते हैं और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। फोर्स जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये जो दूसरा फिंगर है उसको नीचे घुमाना है, याद रखना। तो देखो ये जो फिंगर है वो हम ए पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स नीचे आ रहा है, इसलिए दूसरा फिंगर जो है ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट ऐसा चेक करो। तो ये क्या हो रहा है, 100 साइन, देखो 100 साइन 36.869, ये ऐसा नीचे आ रहा है, तो वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे प्लस 100 साइन ऑफ 36.869 इनटू डिस्टेंस, ए से लेके सी तक का यहां पे डिस्टेंस ले लेना है, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 4, इसलिए हम लिखेंगे 4। ए से सी तक का डिस्टेंस क्यों, क्योंकि 100 साइन जो है वो ए से वो सी से पास हो रहा है, इसलिए हमने यहां पे इनटू डिस्टेंस यहां पे किए हैं इनटू 4, ओके। तो ये हमने जो राइट किए थे 50 ले लिए, ये राइट किए थे, ये भी ले लिए, और अब बचा है ये कपल, तो ये कपल हम लेंगे, और जैसा हमने कहा था वो कपल एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो उसको सीधा निगेटिव में ले लेना है। जैसा हमने कहा था निगेटिव में हम लिखेंगे 80, ठीक है। तो आपके मन में आएगा कि ये हमने चेक क्यों नहीं किए, कि ये इसको हमने चेक किए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी हमने चेक किए, लेकिन इसको क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि वो ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज दिया है, देखो यहां पे उसका डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए सीधा सीधा उसको निगेटिव मिलो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने 50 के टाइम 50 इंटू 2 किए, 100 साइन के टाइम 100 साइन इंटू 4 किए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किए, लेकिन 80 के टाइम इंटू डिस्टेंस मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो यहां पे क्या लिखा है, न्यूटन मीटर, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा के दिया है, तो डबल से उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो एग्जाम में सॉल्व करते समय जल्दबाजी में, इतना जल्दी में सॉल्व करने को देखते हैं कि कपल को भी वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सिर्फ उसके वजह से सॉल्यूशन रॉन्ग आता है और फिर उनको जीरो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने यहां पे ये मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। तो इसका आंसर आएगा 60, तो ये हम लिखेंगे 60 न्यूटन मीटर, ठीक है, 60 न्यूटन मीटर, और ये जो है ये पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, पॉजिटिव में आया, ये क्लॉकवाइज है। ये हमने यहां पे क्यों लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमने क्लॉकवाइज लिखा है देखो, क्योंकि हमने यहां पे रूल लिख लिए थे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट का आंसर पॉजिटिव में आया, इसलिए हमने यहां लिखे हैं क्लॉकवाइज, ओके। तो ये मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब इसका यूज करके हम वेरेग्नन थ्योरम अप्लाई करके एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे, देयरफॉर बाय वेरेग्नन थ्योरम, बाय वेरेग्नन्स थ्योरम, तो वेरेग्नन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहां उसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, ये उसका स्टेटमेंट है। तो यहां पे मोमेंट का वैल्यू हम यहां पे लिख लेंगे 60, और रिजल्टेंट है 261.006, ठीक है, 006 इंटू एक्स, देखो ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने यहां लिखे, मोमेंट का मैग्नीट्यूड यहां लिखे इंटू एक्स, बस यहां पे क्या करो 60 को 261.006 से डिवाइड करो, तो हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 261.006, तो एक्स हमें मिल जाएगा 0.229 मीटर। तो ये हमें x मिल चुका है, इसका मतलब रिजल्टेंट का डिस्टेंस हमें मिल चुका है फ्रॉम पॉइंट ए, रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितने दूर से पास हो रहा है, रिजल्टेंट ए पॉइंट से 0.229 मीटर इतने दूर से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इनडायरेक्टली पोजीशन फाइंड आउट किया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पोजीशन फाइंड आउट होने के बाद अब आपको डायग्रामेटिकली आपको रिजल्टेंट का पोजीशन यहां पे शो करना है, डायग्राम में शो करना है। तो चलो रिजल्टेंट का पोजीशन शो करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट का पोजीशन शो करने के लिए आपको रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन पहले चेक करना पड़ेगा। रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, और ये चेक करना काफी आसान है। देखो उसके लिए आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का साइन चेक करना है। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर निगेटिव में है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का भी आंसर निगेटिव में है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निगेटिव, एफ ऑफ वाई निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का पोजिशन में थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों निगेटिव निगेटिव में है, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कंफर्म है। तो चलो अब हम यहां पे उसका वे ऑफ एक्शन शो करेंगे और पोजीशन भी शो करेंगे।
तो ये देखिए पोजीशन शो करने के लिए हमने ये जो बीम थी ये हमने फिर से यहां पे ड्रॉ किया है। यहां पे अब हमें वो सिंगल फोर्स शो करना है, इट मींस रिजल्टेंट फोर्स शो करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। लेकिन वो शो करने के पहले जैसा हमने कहा था कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन थर्ड क्वाड्रेंट का रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों निगेटिव निगेटिव में है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर रहेगा तो उसका वे ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, यहां पर थोड़ा सा हम रफ में बता देते हैं। तो ये देखिए ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है एक्स एक्सिस, ऐसा होता है वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऐसा रिजल्टेंट आप शो कर सकते हैं। देखो इस तरह का रिजल्टेंट आपको शो करना होता है, ठीक है। ऐसा एक्स एक्सिस होता है, ऐसा वाई एक्सिस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन ऐसा रहता है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा जब कभी भी आपको पोजीशन ड्रॉ करना है एट द लास्ट, तो आपको पहले क्वाड्रेंट चेक करना है कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे हमने चेक कर लिया है रिजल्टेंट का जो वे ऑफ एक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब रिजल्टेंट हमें इस तरह का, इसका मतलब ऐसे डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट हमें यहां शो करना है, ठीक है, ऐसे शो करना है। लेकिन अगर वो शो करना है तो अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप ऐसे डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट या तो आप ए के नीचे से शो करोगे, देखो या तो आप ए के नीचे से शो करोगे या तो आप ए के ऊपर से शो करेंगे। अब ये कैसे शो करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्शन है ये भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और ये भी, बस डिफरेंस ये है कि ये ए के ऊपर से जा रहा है और ये ए के नीचे से जा रहा है। ये भी इंक्लाइन है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, हम यहां पे एंगल लिख लेंगे थीटा, और ये भी इंक्लाइन है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, हम यहां पे लिख लेंगे एंगल थीटा। और ये थीटा कितना है, तो थीटा है 53.568 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। अब ये दोनों में से एक करेक्ट है ये कैसे समझ में आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक्स तक सही से सॉल्व कर लेते हैं लेकिन पोजीशन ड्रॉ करते समय गलती करते हैं। तो पोजीशन ड्रॉ करते समय गलती नहीं होनी चाहिए आपको। पोजीशन अगर करेक्ट शो करना है तो आपको सिर्फ दो चीजें चेक करना है। अगर आप दो चीजें चेक करते हैं तो आप पोजीशन बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ कर पाओगे। दो चीजों में पहली चीज क्या है, पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, जैसा हमने आपको यहां बताया है, पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, ठीक है। तो वो हमने चेक किए और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने यहां पे दो ऑप्शन निकाल लिए, ठीक है। तो पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, और अब देखो ये दोनों में से एक करेक्ट है ये कैसे समझ में आएगा। तो अब यहां पे दूसरी चीज चेक करना है, वो है मोमेंट। आपको मोमेंट चेक करना है कि मोमेंट क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था। तो देखो हमने जो मोमेंट फाइंड आउट किए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो मोमेंट का आंसर पॉजिटिव में था और मोमेंट क्लॉकवाइज था, हमने यहां पर लिखा है मोमेंट क्लॉकवाइज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोमेंट क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों में से जो फोर्स क्लॉकवाइज रहेगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो सही रहेगा, वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज होगा, कौन सा रिजल्टेंट ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो चेक कर लो। और चेक करने का टेक्निक वही है, आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रख लेंगे और ये दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। चलो ये फिंगर हम ए पॉइंट पे यहां पे रखते हैं और ऊपर का फोर्स चेक करते हैं। ऊपर का फोर्स देखो इधर जा रहा है, तो हाथ को इधर घुमाओ ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर का फोर्स ए के रिस्पेक्ट में ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो ऊपर का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए क्या, नहीं हमें क्लॉकवाइज चाहिए। तो देखो नीचे का चेक करते हैं, नीचे का चेक करो, ये फिंगर हम ए पॉइंट पे रखते हैं और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ, क्या ये नीचे का फोर्स क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल देखो ऐसा, ये इसको ऐसा पूरा घुमाओ तो ये बिल्कुल ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। नीचे का फोर्स ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसका मतलब यह है कि नीचे का फोर्स बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो रॉन्ग है। हमें एंटी क्लॉकवाइज शो नहीं करना है, हमें क्लॉकवाइज शो करना है क्योंकि मोमेंट क्लॉकवाइज है, समझ गए। तो ये अब हम यहां पे फाइनल रखते हैं और इसमें डाटा पूरा लिखते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने पोजीशन यहां शो कर लिया है, ठीक है। ये रिजल्टेंट फाइनल हुआ था, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने लिख लिए, ये रिजल्टेंट का एंगल थीटा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन, और ये रिजल्टेंट ए पॉइंट से 0.229 मीटर दूर है ऐसा हमने शो किया है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां लिखा है, और इस तरह से ये हमने डायग्रामेटिकली पोजीशन शो कर लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना ही है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले जो हमने इसके 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।